गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए पार्ट सेकंड ईयर के फर्स्ट पेपर, जिसके अंदर हम देखेंगे चीन का संविधान, जिसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है चीन के संविधान के मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इनके मौलिक अधिकारों के बारे में। तो चीन का संविधान जो है वह 1954 के संविधान में इनका पूरा अध्याय जो है उसके तृतीय अध्याय में इनके मौलिक अधिकार और कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें 19वें अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अधिकारों का प्रश्न है और 1975 के पुराने अधिकार बरकरार किए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम भाषण का अधिकार, पत्र की गोपनीयता, प्रेस, सभा सम्मेलन को बुलाना, जुलूस प्रदर्शनी की व्यवस्था करना, साथ ही धार्मिक विश्वासों की स्वतंत्रता, हड़ताल का अधिकार, सार्वजनिक विषयों पर खुले रूप में वाद विवाद करने का अधिकार शामिल किया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत कला और साहित्य के क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से सर्जन करने की शक्ति प्रदान की गई है। चीन के किसी भी क्षेत्र में रहने और बसने का अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत काम पाने का अधिकार, विश्राम का अधिकार, साथ ही शिक्षा और अनुसंधान का अधिकार भी इस संविधान के अंतर्गत दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इस संविधान के अंतर्गत जो इनके मौलिक अधिकार है उसमें हम ले सकते हैं वोट देने के अधिकार को, अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें दी गई है, हड़ताल करने की इसमें व्यवस्था की गई है। इस तरीके से इसके अनेक अधिकार हैं जो कि चीन के संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करेंगे इनके अन्य अधिकारों की जो कि महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और मेरे साथ बने रहिए हमारे इस वीडियो के अंतर्गत, जिससे मैं हम आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाते रहेंगे। तो अब हम बात करते हैं इनके मौलिक अधिकारों की। देन मौलिक अधिकार के अंतर्गत सबसे मेन जो इसका मेन माना जाता है वह है कानून के समक्ष समानता। साथ ही अधिकारों की पूर्ति की गारंटी, इसमें विधि के समक्ष यानी कानून के समक्ष समानता प्रमुख है। यहां पर नागरिकों को चुनाव लड़ने, मत देने का अधिकार है। इसके संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत बताया गया है कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने वाले प्रत्येक स्त्री एवं पुरुष को मत देने का अधिकार है। साथ ही भाषण, पत्राचार, प्रेस आदि की स्वतंत्रता है। ये किसमें कहा गया है? अनुच्छेद 35 के अंतर्गत सभी नागरिक देने व पत्र व्यवहार करने का अधिकार है। साथ ही यहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है।
इस तरीके से चीन की जो संविधान है उसमें मौलिक अधिकारों की जहाँ श्रेणी आती है उन मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण आधार आता है कानून के समक्ष समानता का, जिसमें अधिकारों की पूर्ति की गारंटी विधि के समक्ष समानता प्रमुख है। चुनाव लड़ने मत देने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत 18 वर्ष की आयु जिसने प्राप्त कर ली है वह सभी स्त्री और पुरुष वोट देने के अधिकारी माने जाते हैं। साथ ही भाषण पत्राचार प्रेस आदि की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। यहाँ के 35वें अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को भाषण देने का और पत्र व्यवहार करने का अधिकार प्राप्त है। साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जहाँ हम धार्मिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो कहीं भी किसी भी स्थल पर जाने के लिए कोई रोक टोक हमारे संविधान के अंतर्गत नहीं की गई है। यहाँ पर व्यक्ति की निरपराधता की गारंटी हितों की रक्षा का अधिकार दिया गया है। साथ ही आलोचना का अधिकार भी है जो कि अनुच्छेद 41 में यहाँ की प्रत्येक नागरिक को राजकीय निकाय सार्वजनिक संगठन के कार्यों में सुधार का प्रस्ताव पेश करने का अधिकार है। साथ ही काम पाने व रोजगार का अधिकार भी व्यक्तियों की निरपराधता की गारंटी 1982 के संविधान के में नागरिकों को प्रदान की गई, जिसमें यह वैयक्तिक हितों की रक्षा का अधिकार इनको दिया गया। साथ ही आलोचना का अधिकार भी इन्हें दिया गया। अनुच्छेद 41 में यहाँ के प्रत्येक नागरिकों राजकीय निकायों सार्वजनिक संगठनों कार्यों में सुधार करने का अधिकार भी प्रदान किया गया। इसके साथ ही काम पाने और शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार भी इन्हें प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इनका जो संविधान है यह मेरे आदमी दिए हुए हैं। साथ ही इसके अंतर्गत इन अधिकारों के साथ साथ कुछ कर्तव्यों को भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इसमें अवकाश विश्राम करने का अधिकार श्रमिकों के काम के घंटे का निर्धारण करना वृद्धावस्था व शारीरिक योग्यता में भरण पोषण करना शिक्षा पढ़ना
When love you go. Came नैतिक और बौद्धिक दो प्रकार के बताए हैं, नैतिक और बौद्धिक। शारीरिक विकास को निश्चित करना, इसके साथ ही स्त्रियों को भी अधिकार प्रदान किए गए हैं जो कि अनुच्छेद 48 में दिए गए हैं। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सांस्कृतिक, अन्य सभी क्षेत्रों पुरुषों के समान समान अधिकार प्रदान किए गए। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से चीन के संविधान में नागरिकों के पास ही जो अधिकार प्रदान किए गए, जिसमें अवकाश, विश्राम करने का, श्रमिकों को कार्य के घंटों को निर्धारित करने का, वृद्धावस्था में शारीरिक अयोग्यता, भरण पोषण करने का अधिकार, शिक्षा पाना, नवयुवकों के बौद्धिक स्तर को सुधारना, साथ ही स्त्रियों को अधिकार प्रदान किया जो कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दिए गए हैं। इसमें आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों के अंतर्गत जो अधिकार पुरुषों को प्रदान किए गए वही स्त्रियों को भी प्रदान किए गए। साथ ही इसी के इन अधिकारों के साथ इनके कर्तव्य भी निश्चित किए गए जिसके अंतर्गत वह इनके नियम और उनके अनुसार कार्यों को संपन्न करे, जो अनुच्छेदों के अंतर्गत दिया गया है उन्हीं के अनुसार उसकी अनुपालना करे और अपने कार्यों को संपन्न करे। यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि जनरली राजस्थान विश्वविद्यालय के सिलेबस के अंतर्गत पूछा जाता है कि चीन के संविधान की क्या विशेषता है, क्या इसके कर्तव्य है, क्या मौलिक अधिकार और इसके अधिकार और कर्तव्य है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। थैंक यू सो मच।